हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज मैंने बनाया है फ़िश फ्राई, जो कि बहुत ही देखने में टेस्टी है और बहुत ज़्यादा इसमें मसाला भी नहीं लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा टाइम भी इसने नहीं लिया है। और साथ में है ये बहुत प्यारी सी सलाद जो कि फ्राइड है। ये मैंने आधा किलो रोहू फिश ली है और इसको अच्छे से कटिंग शेप में कटवा लिया था मैंने। और फिर इसमें मैरिनेशन के लिए मैंने दो चम्मच ऐसा दही लिया है, उसमें हल्दी पाउडर डाला है, फिर ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और नमक डाल करके इसको अच्छे से इसको मिक्स कर दिया मैरिनेशन के लिए। खूब अच्छे से इसको मिक्स करना है। फिर उसके बाद मैंने फ़िश में अच्छे से इसको ऊपर नीचे सब जगह अच्छे से लगा करके कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से मैं इसमें लगा रही हूँ मैरिनेशन। और जब भी मैरिनेट हो जाता है तो अंदर तक इसके नमक पहुँच जाता है, तभी हमारी फ़िश या चिकन जो भी डिश हो अगर आप मैरिनेट करते हैं तो उसमें यही फ़ायदा होता है कि उसका नमक अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाता है, मसाले की खुशबू पहुँच जाती है। ये मैंने ऑनियंस ले लिया है, ऑनियन 3 से 4 बाटी लिए हैं और अच्छे से देखिए चॉपिंग, मैंने आज अपनी चॉपिंग स्किल भी आपको दिखा दी है। ये मैंने कुछ परवल लिए हुए हैं, ये ऑनियन मेरा कट चुका है, और प्याज में बीच से मैंने चीरा लगाया हुआ है जिससे कि प्याज का जो तीखापन है जब उसको फ्राई करेंगे तो उसमें चला जाना चाहिए। और जो परवल में जो काले और थोड़े मोटे बीज होते हैं और जो ज़्यादा पीला भाग अगर है काटने पे दिखता है तो उसको प्लीज़ आप निकाल दें, क्योंकि जब हम लोग इसको खाते हैं तो वो दांत में फिर अच्छा नहीं लगता है इसके लिए। तो अब मैंने अपनी कढ़ाई में देखिए तेल ले लिया है, और तेल भी मैंने 2 से 3 टेबलस्पून लिया हुआ है क्योंकि हम इसको डीप फ्राई करने वाले हैं। परवल देखिए मेरे कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, और इसमें फ्राई करते टाइम ये देखिएगा कि ये थोड़े से हल्के से क्रिस्पी भी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा कड़क नहीं करना है, बट इतना कि वो गल जाए। आप इसको टीथ पिक से दबा के भी चेक कर सकते हैं कि मेरा परवल गल गया है। ऑनियन भी फ्राई करके निकालना है हमको, बट यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसी ऑनियन में हमें वो कटी हरी मिर्च और नमक डालना है। ये डिश दिखने में तो बहुत आसान है, बट इसके जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये हमारी मिर्च का तीखापन हमारे प्याज में और नमक की टेस्ट से वो प्याज और टेस्टी हो जाती है। ये हमारा मैरिनेट फिश है, ये हमारा चला जाएगा तेल के अंदर। अभी फ्राई स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही तेज़ आंच पे इसको भी नहीं फ्राई करना है, हाँ बहुत स्लो भी नहीं, कम से कम मीडियम फ्लेम पे करेंगे। और ये देखिए अच्छे से हमारी फ़िश फ्राई हो रही है, रेड हो गया है देखिए उसमें जो भी मैंने मैरिनेशन लगाया था। कोई कॉर्नफ्लोर नहीं है, कोई बेसन नहीं है, कोई धनिया नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखिए हमारी कितनी खूबसूरत सी ये डिश तैयार हुई है। जितनी देखने में प्यारी लग रही है उतनी खाने में भी टेस्टी लगती है। तो प्लीज़ इन्जॉय फ़िश फ्राई, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट।